तो बाबा लोग मार्वल का टाइम पास मींस जो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इतनी सीरियसली डिमांड करी होगी, और इस वेब शो से लोगों ने उम्मीद भी कम करी होगी। लेकिन ट्रस्ट मी बाबा, ये मार्वल की फिर से तरोताजा करने वाला है। अगाथा ऑल अलोंग वेब शो ड्रॉप आउट हो चुका है, जिसके दो एपिसोड आ चुके हैं, रिव्यू एंड एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले इसका प्रीक्वल वांडा विजन पर अगाथा के रोल पर नजर मार लेते हैं फटाफट, क्योंकि कहानी वहीं से रिलेटेड है और न्यू कमर को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी अगर आपने वांडा विजन नहीं देखा है तब। तो उनके लिए फटाफट अगाथा का रोल का क्विक रिकैप। अगाथा, जिसे डार्क विच भी कहा जाता है, और यू कैन से पर्पल विच, जिसने पड़ी लकड़ी कहीं पर लेने की सोची, यानी वांडा मैक्सिमोफ से, और इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने वांडा को हल्के में ले लिया, जबकि सीज स्कारलेट विच और अगाथा उससे उसकी पावर को छीनना चाह रही थी। दूसरी तरफ वांडा, जो पूरी दिनों दुनिया से दूर अकेले अलग रहना चाहती थी अपनी बनाई हुई खुद की दुनिया में, जहां वो विजन और अपने बच्चों के साथ मस्त जी रही थी, तभी अगाथा आती है और इससे टक्कर लेती है। दोनों के बीच जो पंगा होता है, अगाथा वांडा की पावर छीनती है या छीनना चाहती है, और वांडा पावर को ओवरडेज अगाथा को दे देती है, जिससे इसका सिस्टम हैंग हो जाता है, किसका, अगाथा का, और जो पावर इसके पास थी वो भी चली जाती है, और इस ओवरडोज से अगाथा का सिस्टम हैंग होने लग जाता है। देन वहां पर वांडा एंड विजन शो खत्म, और वांडा ने उसे स्पेल कर रखा है जो हमें इस वेब शो में दिखाई पड़ रहा है, जिससे वो सफर कर रही है उसी वांडा सेल्फ मेड दुनिया में, और अब वो यहां से छुटकारा पाना चाहती है, और ये हमें वेब शो में दिखाया जाएगा। तो बाबा, अगाथा उस लड़ाई के बाद वो कई बार क्रिंज हरकतें करती नजर आ रही है, मेमोरी लॉस के सिम्टम दिख रहे हैं उसमें, चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेटेड भी हो चुकी है, जिसे शुरू में ये तक नहीं पता था कि ये रियलिटी में जी रही है या फिर वांडा की बनाई दुनिया में जी रही है, जो वांडा की बनाई दुनिया में ही जी रही है। वांडा का स्पेल ने उसे बुरी तरीके से डैमेज कर रखा है, जिससे वो उभरना भी चाहती है, और इससे ये सब रियलाइज तब होता है जब एक मिस्ट्री बॉय ने वांडा के इस स्पेल को तोड़ा। और बाबा, ये मिस्ट्री बॉय हुकुम का इक्का साबित होगा आगे जाकर, जिसे एक सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे, और मिस्ट्री बॉय अगाथा को रियलाइज कराता है, उसे रियलिज्म में लाता है, जो एक्चुअली वांडा की बनाई दुनिया में ही वो जी रही है। एंड नाउ अपनी डार्क विच यानी अगाथा कमजोर पड़ती नजर आ रही है, और कमजोर पड़ गई है, तो इसके पीछे दुश्मन भी आप काफी लग चुके हैं, क्योंकि अगाथा ने अपनी पिछली लाइफ में बहुत से दुश्मन बनाए हैं, उन बाकी के विचेस को जिनसे उसने पावर छीनी थी, तो अब वो बदला लेना चाहती हैं अगाथा को मारकर। इसी बीच सेवन सेलमैन नाम की सबसे बड़ी दुश्मन उसके पीछे पड़ चुकी है, और वो बस उसे मारना चाहती है, यानी अगाथा को। लेकिन मिस्ट्री बॉय ने उसे आइडिया दिया कि क्यों ना अपनी पावर को वापस लिया जाए, वापस लाया जाए, जो विचेस का मैजिकल रोड है, विचेस रोड, वहां जाकर अगाथा को उसकी पावर मिल जाएगी, और वहां जाने के लिए इसे मना लेता है। लेकिन मिस्ट्री बॉय इतना एक्साइटेड क्यों है अगाथा को विचेस रोड खुलवाने के लिए, या फिर वहां जाने के लिए, जहां उसे एक टीम की जरूरत पड़ेगी, यानी अपनी अगाथा को, और अगाथा अपनी लूजर्स की टीम बनाने निकल पड़ती है, जहां उसी की तरह ठुकी पिटी विचेस उसे मिलती हैं, जिनकी हालत लगभग अगाथा जैसी ही होती है। और यहां एक पांच विचेस और छठवां वो मिस्ट्री बॉय, जो शायद गे ही है, की टीम बनती है, जिसमें सबसे पहले वो लिलिया के पास जाते हैं, जो लोगों का भविष्य देखकर अपना जीवन यापन कर रही है। उसके बाद वो जैन के पास जाते हैं, जो पहली बला की सुंदरी थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं है। देन थर्ड वो एलिस वो गलीवर के पास जाते हैं, जो किसी मॉल में काम करके अपना जीवन यापन कर रही थी। देन चौथी अपनी मिसिस हार्ट, इसे आपने वांडा विजन में भी देखा होगा। और यहां ये पांचों मिलकर विचेस रोड को ओपन करती हैं, विचेस सॉन्ग गाकर, और तभी सेवन सेलमन विचेस अगाथा को पेलने आ जाती हैं उसके घर के बाहर। लेकिन इतने में अगाथा अपने ग्रुप के साथ रोड पर, यानी विचेस रोड पर एंट्री मार लेती है, और आगे क्या होगा वो थर्ड एपिसोड में पता लगने वाला है, जो 25 सितंबर को ड्रॉप आउट हो जाएगा। लेकिन बाबा, बाकी सब तो समझ में आता है, लेकिन ये मिस्ट्री बॉय आखिर है कौन, जो अगाथा के साथ है, जिसने स्कारलेट विच का स्पेल भी तोड़ा, और बाकी जब वो अपनी आइडेंटिटी बताने की जब भी बार बार कोशिश कर रहा था, तो वो अगाथा को सुनाई नहीं दे रहा था, या उसे समझ में नहीं आ रहा था, जो हो ना हो उसी ने स्पेल कर रखा हो शायद एक बार के लिए। तो बाबा, कॉमिक्स की हेल्प लेते हुए एक स्पॉइलर, तो ये बंदा जो अगाथा के साथ है, वो स्कारलेट विच यानी अपने वांडा मैक्सिमोफ का ही बेटा है, दोनों जुड़वा में से एक बेटा, जिसका नाम होगा बिली कैपलेन, जिसकी पावर लगभग अपनी मां वांडा मैक्सिमोफ जैसी ही है, बस इससे ज्यादा किसी और वीडियो में बात करेंगे, इस सेपरेट वीडियो में। बाकी भाई, आपने भी इस दोनों एपिसोड देख लिए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? मजा आया, इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन मजा आ रहा है भाई। दोनों एपिसोड दमदार थे, और जो विचेस रोड में अब वो जा चुके हैं, अब वहाँ से कहानी जो है खतरनाक शुरू होने वाली है, क्योंकि अगाथा अपनी पावर ले पाएगी या नहीं ले पाएगी वो आगे जाके पता लगेगा।
तो बाबा यहाँ तक पहुँच गए हो तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इस चैनल पर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से रिलेटेड भी बातें हो रही हैं, आज उसका 6th एपिसोड आ जाएगा 2nd सीजन का, तो उसके लिए भी वेट करना अगर आप उससे जुड़े हैं, उसके लिए एक्साइटमेंट रखते हैं। देन उसके बाद गेम ऑफ थ्रोन्स यूनिवर्स पे भी बातें चलती रहती हैं इस चैनल पर अगर आप नए हो तो। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।